स्थिति वार नक्षत्र में ये कार्य करा है। ये इनको हम चर्म चक्षु से भी देख सकते हैं, यदि हम इनको स्पर्श करेंगे तो ये यहाँ पर स्थापित होने का हमें आभास प्रदान करेंगे। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, अग्नि प्रत्यक्ष देवता है, जल प्रत्यक्ष देवता है, जिनको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। अन्य देवताओं के लिए तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी जब वो दर्शन देंगे, और इनको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं बिना तपस्या के। फिर उसके बाद आपको स्वस्ति तिलक करा, जिससे देवो भूत्वा देवम यदि आप देवताओं का पूजन करने जा रहे हैं तो देवताओं का स्वरूप बनाकर आप उनका पूजन करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पूजन का अधिकार नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपने स्वस्ति तिलक करवाया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति मंगल मंत्रों का यहाँ पर पाठ करा, आपने इष्ट देवता कुल देवता सभी को मन ही मन आमंत्रित करा कि आप यहाँ पर स्थापित हों, हम आपका पूजन करें। आपने भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष बनाया कि आपकी उपस्थिति में मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ। सूर्य जो है, हम तो सोचते हैं कि अस्त हो गया, लेकिन वो यहाँ से अस्त होकर कहीं और जाके उदित होते हैं, तो सूर्य कभी अस्त नहीं होते। और फिर संकल्प करा हमने, एग्रीमेंट तैयार करा, भगवान को अक्षत के रूप में हमने यहाँ पर आसन दिए, सभी देवताओं के आपने जो अक्षत छोड़े और ब्राह्मणों ने मंत्र बोले, तो जिन जिन देवताओं के मंत्र बोले वो मंत्रों को कहा जाता है देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता। ये जो जगत है ये जो है देवताओं के अधीन है, यदि वो ना चाहें तो इस संसार में एक पत्थर भी नहीं है। तो देवो भूत्वा देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, लेकिन वो देवता भी मंत्रों के अधीन है। मंत्रों से बड़े बड़े दैत्यों ने भी देवताओं को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करे, तो मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन, उनको बोलने का अधिकार केवल ब्राह्मणों के पास है। तस्मात ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण को भूदेव के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आपने आसन के रूप में उनको दिया, भक्षक के रूप में आसन दिया, अब उनका आप पूजन करेंगे, यहाँ से हमारा पूजन का कार्य प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले चार बार जल घुमा के छोड़ेंगे, जिस प्रकार हम अपने को सुबह रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, नहाते हैं, फिर वस्त्र इत्यादि पहनते हैं, भगवान के पूजन करते हैं, तिलक लगाते हैं, तो इसी प्रकार से आप सारा भगवान का कार्य इसी प्रकार से इसी क्रम से करेंगे। चार बार जल छोड़ेंगे, चार बार जल छोड़ने का भी प्राय है पाद्योपाद्यम, सबसे पहले हम अपने पैर धुलते हैं, फिर उसके बाद में हस्तियोगम हाथ धुलते हैं। यदि पहले हाथ धुल लिए और फिर पैर धुले तो फिर हाथ अशुद्ध हो जाएंगे, तो इसलिए पैर धुले फिर हाथ धुले फिर कुल्ला करा और फिर मुखे आचमर्यां समर्पयामि सर्वांगे स्नानेयं जनं समर्पयामि नमस्कारामि। पंचम विशेषण कराइए भगवान को इसी क्रम से। ओम बाबा जनदियादरवादे मावे जन्ते जहाँ जहाँ आपने अक्षर छोड़े हैं सभी जगह एक एक वस्त्र ऐसे उठाइए, बड़े जी से प्रारंभ करेंगे।
Thank you.
Thank you.
Jai Devi Jai Gamma.